अगली खबर आ रही है जबलपुर से, जहां अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर के दूसरे दिन आरोपी ने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट किया था। इसमें कैप्शन लिखा था, आई लव यू बाबू, हमारी मुलाकात स्वर्ग में होगी। सॉरी बाबू, वारदात के बाद पिछले 4 दिन में आरोपी 5 ठिकाने बदल चुका है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई हैं। वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाता है। युवती के ही सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो वीडियो भी शेयर कर रहा है। आरोपी अभिषेक पाटीदार ने जो फोटो पोस्ट किया है, उसमें उसके साथ शिल्पा झारिया महंगी कार में बैठी दिख रही हैं। सीट के पास 500-500 रुपए की नोट की गड्डियां भी दिख रही हैं। दोनों के पास कुल्हड़ वाली चाय भी रखी है। बताया जाता है कि ये सेल्फी पुरानी है। आरोपी ने गर्लफ्रेंड को याद करते हुए फोटो पोस्ट किया है। कैप्शन लिखते हुए माफी भी मांगी है, बाद में ये फोटो डिलीट भी कर दिया है। मंगलवार को जबलपुर के मेखला रिसोर्ट के रूम नंबर 5 में रजाई में लिपटा युवती का शव मिला था। उसका गला और कलाई कटी मिली थी। पलंग पर खून जमा हुआ था। मृतक की पहचान शिल्पा झारिया के रूप में हुई। वह 2 दिन पहले शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर न्यू भेड़ा घाट रोड पर स्थित इस रिसोर्ट में अभिषेक पाटीदार के साथ आई थी। आरोपी अभिषेक पाटीदार लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर लग्जरी कार के साथ फोटो भी अपलोड की है। दूसरी फोटो में शिल्पा झारिया भी दूसरी कार के साथ दिख रही है। दोनों गाड़ियों के VIP नंबर भी है। यही नहीं, वह गले में सोने की चेन और महंगी घड़ी पहनता है। मर्सिडीज जैसी कार में लाखों रुपए नकदी रखकर भी चलता है। युवती का सोशल मीडिया अकाउंट आरोपी अभिषेक पाटीदार यूज कर रहा है। इसके लिए पब्लिक प्लेस के वाईफाई का उपयोग करता है। वारदात के दूसरे दिन सोशल मीडिया पर अपलोड किए फोटो के कैप्शन ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। फोटो कैप्शन लिखा, आई लव यू बाबू, अब हमारी मुलाकात स्वर्ग में होगी, बाबू सॉरी। पुलिस को आशंका है कि कहीं आरोपी खुद को नुकसान नहीं पहुंचा ले। बताया जाता है कि आरोपी कार से ही घूम रहा है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर कबूलनामे का वीडियो अपलोड किया है, जिसे हजारों लोगों द्वारा देखा जा चुका है। वीडियो अपलोड होने के बाद लोग कमेंट भी कर रहे हैं। यूजर शुभम पटेल ने कमेंट किया है कि आरोपी पुलिस को गुमराह कर रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, सही सही बताओ भाई, हुआ क्या था। हालांकि लगातार फोटो वीडियो अपलोड होने के बाद साइबर पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रखे हुए है।